प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो केस स्टडी है ये मैंने सरहंद केस स्टडी लिखा है। सरहंद पंजाब में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, ठीक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐतिहासिक महत्ता इसकी बहुत है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है ये। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे वहाँ पर ही दीवारों में चिनाई करके उनको शहीद किया गया था। तो वहाँ पर हम ज़्यादा अक्सर, मैं काफ़ी काम करता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ की एक केस स्टडी आपके साथ बात करता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा CCM की बात। CCM जो रियल स्टेट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो CCM, मैं उसको CCM का नाम देता हूँ। CCM का मतलब है कैलकुलेशन है, दूसरा कंपैरिजन है, और तीसरा मैनिपुलेशन प्लस मैनेजमेंट। मैनिपुलेशन प्लस मैनेजमेंट, ये तीनों शब्द जो हैं रियल स्टेट के लिए बहुत ही सटीक बैठते हैं। यदि ये तीन शब्दों का आप ध्यान रख के रियल स्टेट का बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। सो सबसे पहले तो मैंने ये दो डायग्राम दिए हैं, ये सामने दो डायग्राम है। ये किसी बंदे ने मेन रोड के ऊपर कॉलोनी बनाई थी और मेन उसके बीच में से बड़ी रोड दे दी। बड़ी रोड देने के बाद एक तरफ तार जा रही थी, ये तार, ये मैंने तार दिखाई हुई है, ये जो अंदर वाली जो ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी ये तार है, और इसके साथ ही 15 फिट, ये जो है 15 फिट है, नो, इसमें नो कंस्ट्रक्शन जोन, मतलब तार को छोड़ के कंस्ट्रक्शन की जा सकती, इसमें भी ये भी, और 15 फुट ही चौड़ाई तार की है, तो मतलब 45 फुट छोड़ के ही हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप करना चाहो कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके भी करनी है वो कर सकते हो। तो दूसरा ये है, इसमें कोई तार नहीं है। आप ये डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, आपके ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है, तार वाली डायग्राम है, ये हमें सिर्फ 3000 रुपये गज में प्रॉपर्टी मिल रही है, और बिना तार के 6000 रुपये गज में प्रॉपर्टी मिल रही है। 40x250 का प्लॉट है, 40x250 के हमें मल्टीप्लाई करें तो 1100 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी बनती है हमारी तकरीबन। तो 1100 स्क्वायर यार्ड बनती है, तो 6000 से मल्टीप्लाई करो तो ये 66 लाख आता है इसमें। ये मैंने 66 लाख लिखा हुआ है, ये 66 लाख में मिलती है, और ये 33 लाख में मिलती है। अब ये 33 लाख में मिली है 66 लाख में, अब 33 लाख वाली सस्ती है या 66 लाख वाली? 66 लाख वाली सस्ती है। 33 लाख में हमें ये जो है 40x45, 1, 2, 3, 15 के 3 जो पैच हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। 40 को 45 से यदि मल्टीप्लाई करें, ये मैंने किया हुआ है, तो 200 स्क्वायर यार्ड हमारी वेस्टेज में चली जाएगी। तो टोटल एरिया 1100 है, 1100 में से 200 निकाल दो तो हमें सेलेबल 900 स्क्वायर यार्ड मिला, 900 स्क्वायर यार्ड मिल गया। तो 900 स्क्वायर यार्ड हमें 33 लाख रुपए में पड़ रही है। यदि हम 33 लाख को 900 स्क्वायर यार्ड के साथ हमने इसका रेट निकालना हो तो ये तकरीबन 3500 रुपये गज के हिसाब से मिलेगी सेलेबल, और ये 6000 रुपये पर गज के हिसाब से सेलेबल मिल रही है हमें। तो यदि हमने अब कंपैरिजन करना हो, एक तरफ हमने 900 गज जगह बेचनी है जो हमें सिर्फ कितने में, कितने रेट में पड़ रही है, सिर्फ 3500 रुपये गज में पड़ रही है, तो एक तरफ हमें 1100 गज जगह मिली जो हमें 6000 में पड़ रही है। तो डेफिनेटली 6000 और 3500 का फर्क है। हम 900 गज प्रॉपर्टी बेच लो, 1100 के पैसे दे दो, 900 गज प्रॉपर्टी बेच दे, यदि हम 8000 रुपये में बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। और इसमें ये हमें यदि 6000 को लेंगे, इसमें वेस्टेज भी छोड़ेंगे, आगे वाली वेस्टेज छोड़ेंगे, इसमें नक्शे पास कराएंगे, जो भी है, इसको 12000 से कम नहीं बेच सकते, और इसको 8000 में बेच के भी हमें पैसे बचते हैं। सो दोस्तों, इन बातों का हमने ध्यान रखना है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम रियल स्टेट का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टूल हैं जो मैं अक्सर आपको देता रहता हूँ, आप अपना ध्यान रखें। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि इस तरीके की जो वीडियो है, जो जिसमें करोड़ों रुपए छिपे हुए हैं, ये आपका करोड़पति बना सकती है, एक डिसीजन लिया हो करोड़पति बना सकता है, तो इसमें छुपे हुए, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप चैनल के साथ बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द।